अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। दरियाए सतलुज में हैड सुलेमान की पर सैलाब तूफ़ानी शक्ल अख्तियार कर गया। हर तरफ खतरा ही खतरा है। हैड गंडा सिंह सुलेमान की और हैड इस्लाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताऊँगा। वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दरियाए सतलुज में सैलाब मजीद ख़तरनाक हो गया। ज़िला उकाड़ा, पाकपतन, मिंचनाबाद, भावलनगर, आरिफवाला, चिश्तियाँ, हासिलपुर, बूरा, विहाड़ी के कई गाँव जेरे आब, लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। लोगों की पक्की फसलें तबाह। हर तरफ खतरे का आलम है। लोग बेचारे डरे हुए हैं, न जाने कब ये मुश्किल वक्त ख़त्म होगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि सैलाबी रेला गंडा सिंह और सुलेमानकी के दरमियान है, बल्कि बहुत बड़ा रेला सुलेमानकी से गुजर चुका है। सुलेमानकी और हैड इस्लाम के दरमियान बहुत ख़तरा है। दरिया के करीब जो लोग रहते हैं उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द महफूज मकाम पर पहुँच जाए। खुदारा गफलत ना करें, अपनी जानों माल की हिफाजत करें। हैड सुलेमानकी पर पानी का मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाब ख़तरनाक होता जा रहा है। या अल्लाह रहम फरमा। दोस्तों, अब आपको पानी का मौजूदा अखराज बताता हूँ। हैड गंडा सिंह पर पानी का अखराज है 1,60,000 क्यूसक। हैड सुलेमानकी पर है 1,75,000। यहाँ पर पानी का मुसलसल इजाफा हो रहा है। और हैड इस्लाम पर 31,000 क्यूसक है। यहाँ पर भी आइंदा 24 घंटों में पानी का इजाफा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए।